मेकअप कराने यहाँ से भाई क्राउड पागल हो रहा है, पागल हो रहा है, 100-200 लोग चीख रहा होगा यहाँ से ना आप ही मेरे दोस्त नहीं है, भाई है, नवाज ब्रदर्स, नवाज ब्रदर्स, ये मेरे छोटे भाई हैं, नवाज, ये भी नवाज है, ये भी नवाज है, इधर भी नवाज है, हर तरफ नवाज है, इसीलिए हम कहते हैं गो नवाज, नहीं मैं इधर नारे बजेंगे। लाहौर और वहाँ हम जाके आपकी मुलाकात करेंगे ताबिश हाशमी से, क्योंकि वो शो जो है हम जिस शो में जा रहे हैं वो ताबिश हाशमी का शो है, तो दानिश और मैं उस शो में आज गेस्ट हैं और बहुत मज़ा आने वाला है शो में भी और इस ब्लॉग में भी। मिलते हैं दानिश के साथ। भाई आपकी मुलाकात हमने इन साहब से नहीं कराई है, खादिम हुसैन, क्या हाल है खादिम हुसैन? अल्हम्दुलिल्लाह सर शुक्र अल्लाह। इनको आए हुए 1.5 साल हुए हैं, इससे पहले जो ड्राइवर थे वो 14 साल रहे हैं, अब देखें ये कब तक रहते हैं। और ये बताओ कि हमारा ब्लॉग देखते हो? जी जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं। और लाइक करते हो? लाइक भी करते हैं भाई, कमेंट भी करते हैं। अच्छा, किसी ने जोर तो नहीं दिया ज़बरदस्ती? नहीं नहीं नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से खुशी से देखते हैं भाई, आपको खुशी आती है। चलो गुड है। और तुम्हें क्या मज़ा आ रहा है इस जॉब में? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं नहीं भाई, आपसे अल्हम्दुलिल्लाह आप बच्चों की तरह रखते हैं हमें। यार तुमने हमें बुढ़ा बना दिया? नहीं भाई बुढ़ा नहीं बना दिया, लेकिन एक रहने की बात बोल रहा हूँ। चलो गुड है। जी जी चलो मिलते हैं फिर, हम एयरपोर्ट ही, हम एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। गाड़ी में चलो। देख बेल्ट बांध दिया है और ड्राइविंग दानिश साहब कर रहे हैं और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और नहीं नहीं, सुबह दानिश का सीन हो चुका है, आया बड़ा बुरा सीन हुआ। दानिश की फ्लाइट थी सुबह 8 बजे की और दानिश साहब से फ्लाइट मिस हो गई। कितने मिनट पहले? फ्लाइट मिस नहीं हुई है, मैं टाइम पे पहुंचा हूँ, 30 मिनट पहले मैं पहुंचा एयरपोर्ट, मतलब काउंटर पे खड़ा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई 30 मिनट्स हैं, नहीं से काउंटर बंद हो गया और सब लोग मौजूद हैं अपने काम कर रहे हैं, और वो इतने मैंने देखा है इतने सख्त हो जाते हैं अंग्रेजों अंदर से बाकी किसी चीज़ में ठीक नहीं है। अब वो मैं कह रहा हूँ यार 30 मिनट्स हैं, जहाज़ उड़ान नहीं है, कह रहा नहीं अभी तो बोर्डिंग भी नहीं शुरू हुई। तो मैंने बोला भाई तू मुझे एक टिकट दे दो, मैं जाऊँ, मैं टिकट बुक कराया हुआ है, मेरे पैसे हैं, मैंने दिए पैसे। तो कह रहे हैं कि ना नहीं सर ये बस काउंटर क्लोज हो गया, अब हम बोर्डिंग नहीं कर रहे हैं। भाई क्यों नहीं कर रहे यार, कर लो। अच्छा आपको एक और खुशखबरी दें, दानिश का भी बहुत जल्द ब्लॉग आने वाला है। अच्छा, हम मैं भी उसमें नजर आया करूंगा और दानिश भी अब तैयारी कर रहा है अपने पेज की। वैसे मुझे बड़ा मुश्किल लगता है ब्लॉग बनाना, अपने पेज की तैयारी कर रहा है, तो आपको डबल मजा आने वाला है इंशाल्लाह। हाँ जी, अब हम एयरपोर्ट की तरफ पहुँच चुके हैं मैं और दानिश। हाँ दानिश, हाँ जी, हम क्या हाल है भैया? आपको इसके हाल सही नहीं लग रहे, नाश्ता नहीं मिला इनको आज। नाश्ता नहीं मिला आपको? नहीं मिल गया नाश्ता, फ्रेश लग रहे हैं। चाय पापे जी। तो हम एयरपोर्ट पे आ गए हैं और दानिश की मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं इनके साथ। दानिश ने एयरपोर्ट अपना पायलट के साथ वाली सीट मांगी है, उनको नींद आ जाए, सुबह सुबह की बात है, नींद आ जाए तो कम से कम वो हो ये जगा सके उनको। पिक्चर? हाँ श्योर श्योर जी, पिक्चर लेना जरा, एक पिक्चर ले भाई हमारी। हाँ दानिश। हाँ जी, फिर पायलट को आपने सीट मिल गई है कॉर्नर की, कॉर्नर की आपकी और मेरी, यानी आपका वो कॉर्नर है मेरा दूसरा कॉर्नर। हमने कॉर्नर के 2 प्लॉट ले लिए हैं जहाज में, जहाज में खिड़की से झांकते हुए जाएंगे। हाँ से? क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे क्या? मैं कह रहा था आप पर से बादलों का शॉट बनाना और फिर हम गाना लगाएंगे कि तुम ही नहीं तन्हा रील। आपने मेहनती लोग देखे होंगे लेकिन ऐसे मेहनती लोग नहीं देखे होंगे आपने। ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं दानिश एयरपोर्ट में भी। दानिश से 10-15 मिनट है किसी तो अपना जहाज में जाने के लिए। मैं 2 किस्तें पढ़ लूंगा भाई। नहीं टाइम इज मनी।
हाँ ना जरूरी है ना, बहुत अच्छे सही है। यार स्क्रिप्ट निकाल रहा हूँ, आपको तो पता ही मुझे पढ़ने का कितना शौक है। और यार ऐसा मुझे लग रहा है आप शूट भी नहीं कर लोगे आपके मोबाइल से मेरे मोबाइल से आप पूरा ईद का रमजान रमजान कर लोगे। बड़े मिल जाए सर, हमें एक्टिंग का शौक है। क्या समोसे बेच रहे हो भैया? यार मैं तो शदीद डाइट पे हूँ। आए तो ऐसे समोसे बेचने आए हो? नहीं नहीं, मुझे समोसा कैप्टन साहब ने दिया। कैप्टन साहब ने दिया, मुझे भी कैप्टन साहब ने दिया है। आपने क्या किया? साइड बाजार पे आया साइड वाला नहीं लेंगे ना। बस लैंडिंग हो गई, बड़ी मजे की एयरलाइन है और बहुत मजे की फ्लाइट थी। दानिश कह रहा है थोड़े से खड्डे हैं, खड्डे तो आए थोड़े से उस वक्त जब मैं वो तो सही वाला कर रहा था, पता था वॉशरूम। अच्छा उसी वक्त मैं थोड़ा सा खा के चला। हां अच्छा है, मनोज साहब ने कोनी मार दी होगी, ये खड्डे खड्डा आ रहा है। थैंक यू सो मच। तू अक्सर तस्वीर लेगा। तो जी हम लाहौर पहुंच गए हैं। आज जो हमारी तस्वीरें खींची ना मुझे भेज देना, जिसने सुबह मुझे बोर्डिंग पास नहीं दिया था ना एयरलाइन ने, उनको भेज। हां उनको भेज देना। और इनकी बहुत बहुत अच्छी एयरलाइन थी और स्काई नहीं फ्लाई दुबई, ओ सॉरी फ्लाई जिना के नाम से। और हमने एंजॉय किया, कॉकपिट पे जाके तस्वीर भी, पायलट बड़े अच्छे मिलनसार से थे और तस्वीरें भी खिंचाई उन्होंने हमारे साथ और हमने उनके साथ। बहुत पतला हाथ था उनका और मुझे लगता है रजिया ड्राइविंग स्कूल से उन्होंने जा चलाना सीखा और अच्छी अच्छी सफ़र अच्छा रहा हमारा। बाहर निकलेंगे, थोड़ी फील हो रही है कि यहाँ ठंड है, लेकिन गर्म कपड़े टी शर्ट्स लेकर आए हुए हम लोग। तो हमें बता दिया गया था कि ठंड है यहाँ लाहौर में। तो देखें आज शो में बहुत मज़ा आने वाला है और फ्लाइट में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन हमें सीट आगे पीछे मिली, वजह उसकी कि दानिश की मैंने बताया था कि सुबह फ्लाइट मिस हो गई थी तो हमें सीट साफ नहीं मिली। तो खैर मज़ा आने वाला है। दानिश साहब हो चुके हैं लाहौर की सड़कों में, लाहौर की फिजाओं में। क्या सोच रहे दानिश साहब? मैं सोच रहा हूँ इस तरह की जब वीडियो बनती है, जब वो कोई शीशे के पास योगा दिखा तो फिर एक मोटिवेशनल कोट, क्या थक गए हो अकेले घूम घूम, अरे जीना सीखो, हिम्मत है तो पास कर वरना मत। नहीं मोटिवेशनल स्पीकर आजकल काफ़ी आ रहे हैं। गाड़ी उठी हम कहाँ जा रहे हैं अल्लाह रखा साहब? बुक्टिया चौक जा रहे हैं लाहौर यूनिवर्सिटी। लाहौर यूनिवर्सिटी जी, ये लड़का साहब है और इनके नाम की हिस्ट्री क्या है मैंने बता दी, ये नाम क्यों रखा गया है खुद हैरान हो गए। ये बरकत जो है, ये बरकत उसमें वाले बरकत मुझे नज़र आए यहाँ पर, और यार पूरे ही बरकत है यार। क्या हाल है दानिश? सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है, यहाँ छोड़ा था हमने। दानिश आपका फेवरेट जो है वो मशरूम कौन सा है? मेरा हाँ टेराडी हर्मस मुझे बहुत पसंद है और उसकी एक खास बात है। टेराडी तो बस लग रही है। टेराडी नहीं पता इस तरह का नाम है, टेराडी नहीं है टेराडी हर्मस, और उसकी एक खास बात है वो मेरी रेंज से बाहर हो चुका है, इतना महंगा हो गया। महंगा हो गया
पहली मरतबा क्या खुद लिया था क्या बाद में हमेशा खुद फोन खुला था आपका फर्स्ट टाइम ले लिया नहीं नहीं वो भी पसंद है अच्छा है अच्छा वो यस और बाकी वैसे तो लगाते रहते हैं सही अच्छा कपड़ों में सबसे फेवरेट ब्रांड कौन सा है ब्रांड कपड़ों लिवाइस मुझे अच्छा लगता है अच्छा और लेकिन वही बात है रेंज से बाहर होते ज्यादा रेंज लेकिन अब आजकल लोकल बड़े अच्छे कपड़े आ गए हां लोकल कपड़े अच्छे हां चलो सेल में उठाते हैं हम जाके कपड़े जबरदस्त यार सर आप भी लग रहा है कोई मीम बना रहे हो एक्सक्यूज मी आप भी ये बोल रहा था आपने एक्सक्यूज मी आप भी जितने खाने उसने प्रमोट किए हैं बिरयानी है पूरे पंजाब के माशाल्लाह मुझे लाहौर सीरियसली बताओ मुझे बड़ा अच्छा लगता है लाहौर मुझे भी अच्छा लगता है लाहौर शायद इसकी बड़ी रीजन ये कि साफ सुथरा ग्रीनरी बहुत ज्यादा है मुझे तो वाकई बड़ा पसंद है लाहौर मतलब लाहौर मजे का है इसकी पानी और हवा भी अच्छी है कुछ खाया पिया है नहीं वैसे मैं देख रहा था कि आप वहाँ पे खा पी रहे थे मुझे समोसा दिया पायलट ने भिजवाया अंदर से कि आपको पायलट साहब ने समोसे भिजवाए फिर एक समोसा मैं भी लेके आया था फिर दानिश को पायलट ने समोसा भिजवाया समोसे वाले नहीं क्योंकि अंदर जब मैं गया ना तो उसने अपना तारुफ कराया कैप्टन आप दावत में गए हो वहाँ पे सुशी भी पड़ी हुई है और जनाब निहारी पाए सब कुछ मटन चीजें मतलब आपकी सारी फेवरेट पड़ी है मैं सभी खाऊंगा चाहे दो दो बाइट तीन तीन बाइट तो सभी खाऊंगा अच्छी बनी हुई है और अगर अच्छी नहीं बनी हुई तो मैं शायद खाऊँ ना लेकिन अच्छी बनी होगी तो सब खाऊँगा मेरा जो पूरा मेरा ये है अच्छी चीज़ है तो खाओ अच्छा तो आपको घड़ी कौन सी पसंद है आप पहनते नहीं मैं घड़ी नहीं पहनता क्यों मुझे उलझन होती है ये भी मैंने नहीं क्यों पहन लिया मुझे उलझन होती है घड़ी से फेवरेट शूज़ कौन से हैं आपने कौन सा ब्रांड पसंद है जूतों में वैसे तो आजकल जो मैं अगर एक्सरसाइज के लेता हूँ तो नाइकी और एडिडास या न्यू बैलेंस शूज अच्छे हो मुझे ब्रांड का ये जो आप एकदम डाउन टू अर्थ बन जाते हो ना हम तो पत्ते में भी खाना खा लेते हैं हम तो ये अगर गाड़ी नहीं भी है तो मैं साइकिल पे भी जाए ये जो अचानक आप जो हिंदुस्तानी डाउन टू अर्थ हीरो बन जाते हो ना नेक है जैसे मैं आपका पिछला व्लॉग देख रहा था हम मैंने सपोर्ट की नमाज ये तो बहुत अच्छी बात है इसलिए बोलता हूँ बताता हूँ ताकि शायद थोड़ा मैं सच बताऊं मैंने नमाज बहुत देर से शुरू की है मुझे इस बात का दुख है कि मैंने नमाज देर से शुरू की है चलना भी देर से शुरू किया था बोलना भी चलो देर आए दुरुस्त है शादी भी आपने देर से की काफी नहीं शादी में जल्दी की मैंने शादी जल्दी करके यही एक काम मिल रहा है बहुत जल्दी हो गया लेकिन कोई बात नहीं पहली शादी जल्दी हो गई पहली जल्दी तो खैर डाउन टू अर्थ तो हूँ मैं अच्छा कर आप सबको अपनी मर्जी से रहे हो कपड़े चीजें जहाज लेकिन सिर्फ इंटरव्यू में आप नेक हो जाते हो यार मैं असल में क्या नहीं यार मुझे कह रहा था आपको एयर सेल करते हैं ये दानिश साहब जी भाई हाँ जी क्या हो गया और क्या तैयारी करनी है मुंह पे एक छपाटे छपाटे मार दे घंटे से बैठा हूँ जबरदस्त यार
मेकअप कराने यहाँ से भाई क्राउड पागल हो रहा है, पागल हो रहा है, 100-200 लोग चीख रहा होगा यासिर हमारे भाई हमारे दोस्त कैसे हैं आप? अली मीर छोटे मियाँ साहब कहे हैं, छोटे मियाँ साहब कहे हैं, खुदा का वास्ता आप भी मेरे दोस्त नहीं हैं, भाई हैं, नवाज ब्रदर्स, नवाज नवाज ब्रदर्स, ये मेरे छोटे भाई हैं, नवाज, ये भी नवाज है, ये भी नवाज हैं, इधर भी नवाज है, हर तरफ नवाज है, इसीलिए हम कहते हैं गो नवाज, मेरे नारे बजेंगे नवाज तेरा एक इशारा लहू हाजिर 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 लहू हमारा कन्फ्यूज कर दिया मैंने, क्या बात, माशाल्लाह दोनों करली बालों वाले भाइयों ने कमाल कर दिया, मानसिक दिल खून के आंसू होता है जब आपको कटे देखता हूँ। हम शो में जा रहे हैं और शो कैसा होगा वो जब ऑनियर होगा तब आप लोग देखिएगा बताइएगा, और तब तक के लिए बाय बाय दानिश, बाय बाय, ऑन कैमरा रोल। जी दानिश साहब आप जा रहे हैं वापस? वापस जा रहे हैं, बहुत तेजी से दिन गुजर गया सुबह ही प्रति में करके वापस। और आप रुके क्यों नहीं अगर आपको रुके? इसलिए नहीं कि सुबह मेरी शूट है तो मुझे वहाँ पे जाना है, रुकने का तो बहुत मूड था लाहौर है, लेकिन ज़िंदगी कुछ ऐसी ही है दोस्त, सुबह होती है शाम होती है ज़िंदगी में ही तमाम होती है। तुमने लाहौर नहीं देखा? ओ जमे ओके बाय, एयरपोर्ट आ गया।